जय जगन्नाथ एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ जो मैंने आज इंटरनेट से पढ़ी थी एंड मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगा, कुछ सीखने के लिए मिला। सो स्टोरी सिर्फ ये है कि एक बार एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा मतलब काफ़ी ग्रोन अप वाली एलिफेंट को ना एक पतली सी रोप से बांध के एक आदमी ने रखा हुआ था। तो उस आदमी को लगा कि अरे यार ये एलिफेंट तो इसको इजीली ब्रेक कर सकता है इस रोप को, तो ये करके जा क्यों नहीं रहा है। तो जब जाके उसकी मालिक से पूछा कि ये इस रोप को ब्रेक करके क्यों नहीं जा रहा है, तो उसकी मालिक ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने उसी सेम मोटे मतलब उतने ही मोटे वाले रोप से उसको बांध के रखा है, तो बचपन में तो उसको तोड़ नहीं सकता था। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गया कि नहीं, मैं इस रोप को नहीं तोड़ सकती। तो उसको लगता है, आज भी लगता है कि वो उस रोप को तोड़ नहीं सकता है, मतलब साइकोलॉजिकली उसको लगता है। लेकिन अगर वो ट्राई करे तो फिजिकली अभी उसके लिए वो चीज़ फिजिबल है कि वो उस रोप को आराम से तोड़ सकता है। सो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में भी ऐसे प्री कंसीव नोशन की तरह रह जाते हैं। मतलब कभी कभी इनिशियली मुझे लगता था इकोनॉमिक्स मेरे लिए काफ़ी हार्ड है एंड ये मेरे से नहीं हो गया, मुझे इसको सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काफ़ी कुछ। लेकिन बाद में जब मैंने अच्छे से तीन बार चार बार लेक्चर्स देखे एंड उसके बाद रिवाइज किया, एनसीईआरटी से गो थ्रू की, उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब आराम से हो गया इकोनॉमिक्स। इतना ज़्यादा टॉप ऑफ भी मुझे नहीं लगता जितना इनिशियली लग रही थी। तो कहने की बात यह है कि कुछ हमें लगता है कुछ चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मतलब लगता है ना ये मेरे वीकनेस है। तो कहने का मतलब कि वीकनेस जैसा चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ है, बस हमारे दिमाग में है कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। अगर एक बार शुरू करें तो वो चीज़ें भी मतलब वीकनेस से स्ट्रेंथ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो आज मैं सुबह उठ के सोशियोलॉजी कर रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। मतलब मैं 20-25 लेक्चर्स पीछे चल रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये जो दिसंबर की एंड तक मुझे इसको ख़त्म करनी है, मतलब करनी है। तो मैं अभी 4 से 5 घंटा जितना ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ सोशियोलॉजी को उतना ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि ऑप्शनल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। बट अभी तक मेंस की डेट नहीं आई है, फिर भी मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी दिसंबर के एंड तक। मैंने वैसे भी यूपीएससी के लिए भी यही टारगेट लेके चल रही थी एंड मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे अपनी लास्ट 10 डेज की प्लानिंग कर रखी है दिसंबर की, ताकि जब जनवरी में हम एंटर करें हमको लगे कि मतलब हमने कुछ तो अच्छे से प्लानिंग करके पिछले साल प्रोडक्टिविटी दिखाई है। सो ये रही मैंने कितना लेक्चर मेरे को हर दिन करनी है, क्या पढ़नी है एथिक्स की एंड हिस्ट्री उसके साथ करनी है, तो मैंने उसको लिख दी है। एंड ऑफकोर्स डेली करंट अफेयर्स तो करनी ही है जो कि न्यूज़पेपर है, एंड कभी कभी मैं कुछ क्विज लगा लेती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। अभी तो मैंने 26 तक ही प्लानिंग की है, उसके बाद बाकी दिन जो 3-4 दिन बचे हैं उसकी प्लानिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरी प्लानिंग के हिसाब से 26 तक मैं ख़त्म कर लूँगी अपनी ऑप्शनल। एंड ये वाली नई डायरी तो नहीं, जर्नल मैंने मंगवाई है। मैं 2 साल से सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर जर्नलिंग करूँगी हर दिन की, लेकिन इस बार फाइनली मैंने टाइम से पहले ऑर्डर कर ली है एंड ये अभी मतलब कल आया था मेरे पास। तो मैंने कुछ ज़्यादा तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हाँ मैं फ्री है तो उसको मैंने पहले ही लिख दिया है एंड बाकी चीज़ें मैं टाइम के साथ इसको फिलअप करूँगी 2024 के शुरू होने से पहले, क्योंकि एक मतलब कहते हैं ना कि एक घंटा लगा के अच्छे से अगर एक वीक की आप प्लानिंग कर लेते हो तो हफ्ता भर आपका अच्छे से प्रोडक्टिवली निकल जाती है। मतलब रोज़ सुबह उठो, प्लानिंग करो कि आज ये करनी है वो करनी है, उससे अच्छा है एक हफ्ते की माइंड मैप लेके चलो आप, पढ़ाई के लिए हो गया कि बाकी चीज़ें जो भी है उसको आप पहले से अगर प्लानिंग अच्छे से कर लेते हो ना तो एग्जीक्यूशन बहुत ही ईजी हो जाती है। मतलब हर घंटे सोचना, बैठ के सोचो कि ये करना है वो करना है, उससे अच्छा है पूरा 24 आवर का सोच लो एक बार, एक घंटा लगा के अच्छे से एंड उसके बाद सिर्फ एग्जीक्यूट ही करते रहो उसको। तो इसीलिए ही मैंने जर्नल मंगवाई है एंड वैसे भी जर्नलिंग काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है, बहुत लोगों ने बोला है एंड मैंने सिर्फ सिंपल डायरी राइटिंग जैसे ही जर्नलिंग की है, ऐसे पूरा प्रॉपर कभी नहीं की थी। एंड इस बार मैंने मतलब इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं प्रॉपर जर्नलिंग करूँ, तो मैंने टाइम से पहले ऑर्डर कर ली है एंड ट्राई करूँगी कि हर दिन उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँ। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे एंड तो आज का ब्लॉग बस छोटा सा इतना ही एंड आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ।
एंड डेफिनेटली मैं करूँगी भी. सो तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग. थैंक यू गाइज़.